अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। आज मैं तुम्हें देखे बिना नहीं जाने दूंगा। हाय आकाश। सारिका तुम यहाँ कैसे? हाँ वो मैं आसपास आई थी किसी काम से, तो मैंने सोचा आपसे मिलती चलूं। अरे ऐसे कैसे? और तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? वो आपको सुबह फोन पे बात करते सुना था ना मैंने, तो मुझे पता था कि आप यहीं पे मिलोगे। वैसे आप अकेले हैं, आपकी मीटिंग का क्या हुआ? मीटिंग तो हो गई, क्लाइंट की फ्लाइट थी तो निकल गया। खैर छोड़ो, अच्छा हो तुम आ गई। बहुत भूख लगी है, यहाँ की आलू टिक्की बहुत फेमस है, आओ ना तुम बैठो। हाँ वेटर, एक आलू टिक्की। सारे का दीदी ने सही समय पर बचा लिया, अब मुझे ऐसे निकलना चाहिए। मिस्टर समर, हाय आई एम सिद्धार्थ। हाय, आइए मैं आपको हमारे रेस्टोरेंट के मेनू के बारे में बताता हूँ। जय, अपनी फ्रेंड से मिलाई? हाँ मिलाई। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। क्यों, क्या हुआ? नहीं ऐसे, मुझे लगा कि शायद तुम थोड़ी टेंशन में हो। नहीं नहीं तो सब ठीक है। हाँ चलो अच्छा है, सब ठीक ही होना चाहिए। पर जया, लाइफ में अगर तुम्हें कभी कुछ ठीक ना लगे ना, तो सबसे पहले मुझे आके बताना, कभी मुझसे कुछ छुपाना मत। देखो हो सकता है सुन के मैं थोड़ा गुस्सा हो जाऊं या ओवर रिएक्ट कर दूं, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तुम्हें पता है ना, समर आई एम रियली सॉरी, पर अभी तुमसे काफी कुछ छुपा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी। बस सच को साबित करने लायक मैं सबूत इकट्ठे कर रही हूँ।
Happy birthday to you. Happy birthday to world's beautiful girl. Happy birthday to you. Thank you so much for this beautiful present, Pati. अच्छा, thank you तो मुझे बोलना चाहिए क्योंकि तोहफा तो मुझे मिला है। अच्छा जी, ऐसी बात। हम ना कुछ साल बाद बात करेंगे, जब ये शादी पुरानी हो चुकी होगी और तुम मुझसे बोर हो चुके होगे ना, तब बात करेंगे। पता है तब सारे पति ना एक ही चीज कहते हैं, पूछो क्या? कि हे भगवान कहाँ के फंस गया मैं। ये ना वजह है, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुमसे बोर हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरी नजरें तुमसे हट जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अपनी जया को खुद से दूर होने दूंगा। Now surprise number two. अब क्या? अपनी eyes close करो। अब खोलो। Happy birthday जया। Thank you mama. माँ को देखती अलग ही smile आती है face पे। चुप करो। आपको पता क्या हुआ? Good morning, चाची। Good morning, बेटा। Happy birthday, dear। Thank you। अरे जया बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you। सदा खुश रहो। अरे जया बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, खुश रहो। Thank you, चाची। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मेरी कविता पूरी हो गई। हाँ, सुनो सुनो। हाँ, अब दो मिनट। तुम बाद में आई, पहले तुम्हारी याद आई। तुम बाद में आई, पहले तुम्हारी याद आई। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेरों बधाई, हजारों बधाई। थैंक यू। खुश रहे, हैप्पी बर्थडे। ऐसी खुश रहे और ऐसी मुस्कुराती रहे और ऐसी अपनी सारी मुस्कुराहट समर पे लुटाती रहे। चुप, बदमाश कहेगा। देखा जाए बेटा, तेरे बर्थडे को लेकर सारे कितने एक्साइटेड है। क्यों हुआ बेटा, क्यों हुआ, रो क्यों रही है? अरे अगर फिर भी रोना है तो वैसे रो ना, जैसे पैदा होते हुए रोई थी। चुप, कुछ भी बोलता है। अच्छा समर बेटा, एक बात बता, तेरी सारिका से बात हुई? हाँ माँ, सारिका से बात हो गई, तो शाम को आ रही। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना। क्यों आकाश, क्या हुआ? वो आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। तो ठीक है, मैं भी नहीं जाती। आपको मेरी जरूरत होगी ना? नहीं नहीं, इतनी भी तबीयत खराब नहीं है, आई कैन मैनेज। तुम जाओ जा, हमारी भाभी का शादी के बाद पहला बर्थडे है, हमारा वहां जाना बहुत जरूरी है। तुम वहां जाके एंजॉय करो, मुझे लगेगा कि मैंने यहाँ एंजॉय कर लिया है। कैसी लगी ड्रेस? बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत तो तब लगेगी जब तुम इसे पहनोगे। इतनी रोमांटिक बातें कहाँ से करना सीखे? अब जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, वो रोमांटिक तो अपने आप ही हो जाता। जाओ पहन के। अभी कैसी लग रही है? शब्द नहीं है मेरे पास। जयब। हे छोटी। मैं बात। नहीं नहीं छोटी, रुक 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 रुक, आना। छोटी मैं बात। अरे छोटी, इधर आ, इधर आ। अच्छा तुम दोनों बातें करो,
मुझे एक काम है, मैं कर लेता हूँ। हैप्पी बर्थडे जया भाभी। थैंक यू डियर। मैं आपको बर्थडे गिफ्ट क्या दूँ? आप जो मेरे लिए कर रहे हो उसके सामने तो हर गिफ्ट छोटा ही होगा। आपकी खुशी ही मेरा सबसे बड़ा तोहफा। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है सब ठीक हो जाए। That's all that I want. Hi Tara, what's up? I'm really sorry यार उस दिन के लिए। Actually मेरी डम्बो वाइफ आ गई थी घर पे। But आज रास्ता क्लियर है। आज वो बाहर गई हुई है एंड थोड़ा देर से आएगी, तो तुम आ जाओ घर पे। मैं आज नहीं मिल सकती। अरे यार इतना अच्छा मौका मिल रहा है और तुम मना कर रही हो। मौके तो आते रहेंगे, अगली बार मिल लेंगे। बाय। भाभी आप मुझसे बोलिए कि आप मिलने आ रहे हो। कीजिए। दी पर मैं आज कैसे जाऊँ? मेरा बर्थडे है, घर में सब। आप नहीं, मैं जाऊंगी। आप जाओगे? उनको तारा से मिलना है ना। तारा बनके मैं जाऊंगी। पर हम बस भाभी, मैं और ये सब नहीं सह सकती। ऐसे आदमी के साथ एक ही छत के नीचे रहना, एक ही बेड पे सोना, उनका झूठा प्यार, उनके झूठे वादे। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि इस आदमी की हद कितनी है। भाभी आप अभी फोन लगाइए, बोलिए आप मिलने आ रही हैं। आप बोलिए। ओके ओके भाभी प्लीज। या बेब्स, कैसे याद किया? आज ही मिलते हैं। आज ही? बट अभी तो तुम मना कर रही थी। हाँ पर फिर मैंने सोचा कि सही कह रहे हो तुम, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। ये हुई ना बात, तो आ जाओ घर। वैसे भी घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और तुम। घर नहीं, बाहर मिलते हैं कहीं। होटल में। होटल में? ये तो और भी अच्छी बात है। कौन सा होटल? वो सब मैं बाद में मैसेज करती हूँ। ओके बाय। अगर कुछ गलत हो गया तो? भाभी जो हो रहा है उससे ज्यादा गलत क्या होगा? अब जो होगा ना वो सही होगा। Close your eyes, close your eyes. बंद है। अच्छा इस नीचे ध्यान से, स्टेप से। ओके। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear girl. पापा जी, भैया आप दोनों कब आए? अरे भाई हमारी जया का बर्थडे हो, हम ना है। अब पता है। और समर ने क्या प्लान किया? क्योंकि ये जया का पहला बर्थडे इस घर में, तो बड़ी धूमधाम से और म्यूजिक के साथ बनाएंगे। शुरू करो। ललन जी। आई होप सारिका दीदी ठीक हो। ललन जी
फाइनली आज हम मिल लिए। दूर दूर ही खड़ी रहोगी या पास भी आओगी? ऐसे भी आज हमें यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, ना तुम्हारा पति और ना मेरी पत्नी। मैं वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूंगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करूंगा। वैसे एक चीज में मैं बहुत लकी हूँ, बेबी मुझे एक नंबर की बेवकूफ मिली है। खुद तो गई बर्थडे पार्टी में और मुझे यहाँ छोड़ गई तुम्हारे साथ पार्टी करने के लिए। भगवान उसको खुश रखे और मैं तुम्हें खुश रखूं। यार तुम भी तो कुछ बोलो, कब से मैं ही बोले जा रहा हूं। इतना शर्माने वाली कोई बात नहीं, पलट कर देखो कुछ तो बोलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे ही मिलने आई थी आकाश, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। I wish तुमसे पहले मिली होती और तुम्हें और अच्छे से जान पाती। ए, क्या बोल रही है? Don't touch me! घृणा आती है तुमसे। कब सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे करोगे। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? हमेशा से तुम्हारी तो सुनती आई हूँ। तुमने कहा ये शर्ट पे लिपस्टिक का निशान किसी पार्टी में लगा था, मैंने माना। तुमने कहा रात भर तुम्हारी मीटिंग चलती है, मैंने माना। तुमने कहा करवा चौथ वाले दिन लेट आऊंगा, मैंने वो भी माना। और तुमने कहा बैंगलोर जाना है और तुम अपनी माँ के घर जाओ, ने वो भी माना। लेकिन क्या पता था तुम इतने घटिया निकलोगे और जो सुनते आई थी हमेशा वो सब धोखा निकलेगा। You know what? जया भाभी की माँ बिल्कुल ठीक थी और हम लोग उनको हमेशा गलत समझते आए और तुम्हारी वजह से उनको शर्मिंदा होके घर से वापस जाना पड़ा। अरे वो पागल औरत है यार। एक बिल्डअप उनके खिलाफ बोला ना, पागल है वो, पागल है तो तुम क्यों जानवर हो? समर? हाँ? ये सारिका कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? सारिका यही कहीं होगी वो। अच्छा समर सुनना, अपना हाँ? वो काम हुआ? एक्चुअली मम्मी जी, जीजू की तबीयत थोड़ी खराब है ना, तो हो सकता है उनसे बात कर रही हूँ। अरे हाँ वो मैं उनसे फोन करके पूछती हूँ कहाँ है। हाँ तू बात कर ले जरा उससे। मेरे घर वालों ने इतने अरमान से शादी कराई हमारी, ये सोच के कि लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है, खुश रखेगा। ये नहीं पता था इतना घटिया निकलेगा। मेरी मम्मा हमेशा बोलती थी तू एडजस्टमेंट से घबराना मत, शादी निभाने के लिए थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ता है ना। वो भी किया लेकिन ये नहीं पता कि उस एडजस्टमेंट का सिरा ये निकलेगा। अरे क्यों गुस्सा कर रही हो यार? मैं एक क्लाइंट के साथ बिजनेस मीटिंग के लिए आया था यहाँ पे। तारा? उस बिजनेस क्लाइंट का नाम तारा था ना? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर आकाश, वो तारा कोई और नहीं जया भाभी थी। ऐसे तुम्हारा चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, थोड़ा सा और इंतजार। मतलब जया ने मुझे फंसाया? जया भाभी ने तुम्हें फंसाया ताकि मुझे बचा सके। उन्होंने अपनी पहचान बदली ताकि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आए।